What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर, और ये इतनी शानदार है कि आप लोग इसको डे बाय डे की लाइफ में कोरिलेट भी कर पाएंगे बड़े अच्छे से, अगर आप इसको इंप्लीमेंट करके चलते हैं तो. बात बोली गई है, डोंट गिव अप व्हाट यू वांट मोस्ट फॉर व्हाट यू वांट नाउ. मतलब जो आपको सबसे ज्यादा आप लोगों को चाहिए, जो आप लोगों का टारगेट है, जो आप लोगों का गोल है, उसके लिए आप लोग आज की डेट की जो छोटी छोटी सी आप लोग चीजें एंजॉय करते हैं उनको आप लोग ज्यादा प्रेफरेंस मत दीजिए. मतलब यह मान लीजिए आप लोगों को लाइफ में गोल क्या करना है, एथलीट बनना है, तो एथलीट बनने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, एक डेडिकेटेड लाइफ आप लोगों को जीनी पड़ेगी. मतलब मॉर्निंग में आप लोगों को टाइम पर उठना पड़ेगा, उल्टी सीधी हरकतें जो आप लोग खाते हैं, गोलगप्पे वगैरह, ये सारी चाट मसाला सब छोड़ने पड़ेंगे. तो ये थोड़ी टाइम के लिए आप लोगों को एंजॉय दे सकती है, पर लेकिन लाइफ टाइम के लिए आप लोग जब एथलीट बन जाएंगे तो तब एंजॉय कर पाएंगे. इसी तरीके से आप लोग की पढ़ाई में भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. आप लोग जो टारगेट बनाते हैं, जिस भी एग्जाम को आप लोग क्रैक करना है, उस एग्जाम के लिए आप लोग एक प्लान फॉलो करके चलना होता है, पर लेकिन आप लोग क्या करते हैं, यार आज तो पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है, आज थोड़ा खेल लेते हैं, आज थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, एक दिन छोड़ दीजिए, एक दिन में क्या मास्टर बन जाएंगे. तो ये छोटी छोटी जो हरकतें आप लोग करते हैं, ये आप लोगों का जो बड़ा गोल रहता है उसको अचीव करने में आप लोगों के सामने बाधा प्रकट करती है. तो कोशिश कीजिए कि जो छोटी छोटी सी जो चीजें एंजॉय कर रहे हैं उसके लिए आप लोग अपना बड़ा गोल जो है वो पोस्टपोन आप लोग हो रहा है उसको पोस्टपोन मत होने दीजिए, पूरा फोकस उस पे होना चाहिए. कुछ भी काम अगर लाइफ में आज के डेट में कर रहे हैं, वो सारे काम आप लोग के ऐसे होने चाहिए जो आप लोगों को वो गोल अचीव करने में आप लोगों को गाइड करें. तो इस तरीके से आप लोगों को फोकस करके चलना है. ओके, आज 24th of February है, आज हम लोग देखेंगे नैनो मैगजीन के तहत PIB योजना, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज, प्रीलिम्स के जो आप लोगों के क्वेश्चंस और प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स भी आप लोगों के लिए नजर आएंगे. तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. आज है 24th February, तो आज का डिल सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में. इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा, खासकर आज अब की बार आप लोगों को देखने को मिला हमारी कंट्री में टैक्स में बहुत सारे रिफॉर्म आए, तो टैक्स से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर आता है यहाँ पर, या फिर टैक्स से रिलेटेड जो अथॉरिटी रहती है उनसे रिलेटेड कोई भी मैटर आता है तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है. तो सेंट्रल एक्साइज डे आप लोगों को देखने को मिलेगा 24th February को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, कहीं ना कहीं एनकरेज करने के लिए जो टैक्स अथॉरिटी होती है, क्योंकि एक अच्छा ऑब्जर्वेशन कर सके हमारी कंट्री में टैक्स की स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसको अब सिंपल या आसान बनाने की कोशिश की गई है जो जीएसटी के द्वारा. जीएसटी इंप्लीमेंट किया हमारी कंट्री में 1 जुलाई को, तो उसके बेस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर ऑथोरिटी को कहीं ना कहीं एनकरेज करना होता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से हमारी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन को इंप्लीमेंट किया गया, अगर बैंक को मोटिवेट नहीं किया जाता, जो बैंक डिपार्टमेंट है उसको मोटिवेट नहीं किया जाता, तो इतने आसानी से उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता था. तो कहीं ना कहीं हर एक डिपार्टमेंट को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, जिस तरीके से आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है डेली अपनी पढ़ाई को एंजॉय करने के लिए, इसी तरीके से यहां पर भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. तो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है. और आज ही के दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंट्रल एक्साइज एंड द सॉल्ट एक्ट 24th February को आप लोगों को देखने को मिलेगा, एस्टैब्लिश किया गया था 1944 में. तो कई तरीके से यहां पर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर कई तरीके की थीम और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, और कई तरीके की बातें और भी यहां पर सामने रखी जाती है यहां पर, जिससे कि और ज्यादा मोटिवेट किया जा सके डिपार्टमेंट को भी और लोगों के बीच में भी अवेयरनेस फैलाई जा सके, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए. आइए अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज है उनके बारे में थोड़ा सा फोकस डालते हैं. यहां पर जो फर्स्ट न्यूज आप लोगों के सामने निकल कर आती है, ये है इंडिया की फर्स्ट एवर मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब. इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, ये एक फूड टेस्टिंग लैब है जो यहाँ चेक करेगी जो फूड जो है हमारी कंट्री में, बहुत तरीके के आप लोग देखते हैं अच्छे अच्छे पकवान हमारी कंट्री में रहते हैं, पर लेकिन उनकी क्वालिटी क्या है, क्या हमारे खाने के लिए वो अच्छा है, क्या उसमें कोई मिलावट तो नहीं है. आप लोग देख सकते हैं कई बार उल्टे सीधे चीजें मिलाकर कई तरीके खाने तैयार किए जाते हैं. नॉर्मली आप लोगों ने सुना भी होगा कि यार इसमें बहुत सारी मिलावट है चीनी में, कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है व्हाइट कलर के चीनी के जैसे ही वहां पर पत्थर डाल दिए जाते हैं, दाल में भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मिलावट देखने को मिलती है, आटे भी कई तरीके मिक्स कर दिए जाते हैं. तो इस तरीके से बहुत सारी मिलावट फूड में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री के सिटीजन है उनकी हेल्थ पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है. तो किस तरीके से उसको सुधारा जा सकता है, किस तरीके से उसको सही किया जा सकता है, तो ये फर्स्ट हमारी कंट्री में आज तक इससे पहले ऐसी लैब नहीं देखने को मिली. तो ये फर्स्ट एवर आप लोगों को देखने को मिलेगी मोबाइल मतलब घूमने वाली मतलब बस के अंदर ये टेस्टिंग लैब है कहां पे, ये पूरी कंट्री में नहीं है अभी, आप लोगों को देखने को मिलेगी गोवा में इंप्लीमेंट किया गया है ये प्रोजेक्ट. ठीक है, तो गोवा में इंप्लीमेंट किया गया फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, पर लेकिन फोकस ये रखेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए ट्रिकी, ये क्या है फंडेड की गई है कंप्लीटली आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंटर के द्वारा, सेंटर ने पूरा फंड दिया है यहां पर, और आगे आने वाले 5 साल में भी और इसको मेंटेन रखने का भी जो जुम्मा उठाया गया है वो भी सेंटर के द्वारा ही उठाया गया है. अगर कोई टूट फूट होती है इस बस में या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है वो भी यहां पर सेंटर ही कंट्रोल करके चलेगा. ओके, आप लोगों को देखने को मिलेगा ये लेबोरेटरी, एक तरीके से ये आप लोगों को माउंटेड देखने को मिलेगी मतलब घुड़सवार मतलब लेबोरेटरी बस के ऊपर पहिया के ऊपर चलती हुई नजर आएगी और पूरे स्टेट में घूमेगी, ये घूम कर सैंपल को चेक करेगी और वहीं पर मतलब स्पॉट पर ही वहां पर रिजल्ट बताएगी क्या चक्कर चल रहा है यहां पर, और वहीं पर उस तरीके से चीजें देखी जाएगी, जो भी गलत है उसको सुधारा जाएगा.
फर्स्ट तरीके की स्त्री हमारी कंट्री में ही है, और ये एडल्ट्रेशन जो मिलावट होती है उसको भी कम करने का काम करेगी। ये तो काम करेगी करेगी, साइड साइड बाय आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हमारी कंट्री में क्या क्या न्यूट्रिशन हम लोगों को खाना चाहिए, क्या क्या फूड सेफ्टी है और क्या क्या हमारी डाइट होनी चाहिए उसके बारे में भी अवेयरनेस फैलाती हुई ये नजर आएगी। अभी फोकस दिया जा रहा है गोवा पे। अगर गोवा में ये प्रोग्राम अगर ढंग से इंप्लीमेंट होता है आने वाले टाइम में आप लोगों को हमारी कंट्री में दूसरे एरिया में भी नजर आ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, गोवा आप फोकस रखिएगा कहां पर अभी ये स्टार्ट की गई है, और ये एक जगह सिचुएटेड नहीं है, ये बस है एक तरीके की। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर वुमेन के बारे में बात की जा रही है, वुमेन की सेफ्टी के बारे में। देखिए, अगर वुमेन की सेफ्टी की कोई भी स्कीम होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंटर की हो, उस पर थोड़ा फोकस जरूर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस देते हैं एग्जामिनर इस तरीके की स्कीम्स पर। सेफ्टी यहाँ पर भी बात की गई है, सेफ्टी सिटी सर्विलेंस स्कीम्स के बारे में। ये स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर सर्विलेंस किया जाएगा, जो भी खासकर ऐसे एरिया जहां पर बहुत ज्यादा आप लोग देखने को मिलेगा पब्लिक प्लेस, जहां पर बहुत लार्ज स्केल पर एक गैदरिंग देखने को मिलती है, तो वहां पर ईव टीजिंग होती है, छेड़छाड़ किसी भी तरीके की होती है अगेंस्ट द वुमेन अक्रॉस द स्टेट, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। क्या किया जाएगा, सीसीटीवी कैमरेज वहां पर लगाए जाएंगे, ठीक है ना, क्लोज सर्किट जो कैमरेज आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर। इसके अलावा इंप्रूव किया जाएगा वहां पर जो भी क्राइम जो कंट्रोल का जो एरिया है, मतलब अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहां पर हर तरीके से हेल्प अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि क्राइम जो भी वुमेन के खिलाफ होते हैं, मोलेस्टेशन छेड़छाड़ होती है, टीजिंग वहां पर होती है, हरासमेंट कहीं भी वुमेन का किया जाता है, स्नेचिंग होती है, अगर किसी भी तरीके से चैन वगैरह मोबाइल वगैरह छीन के ले जाते हैं चीजें, तो इस तरीके की चीजों को यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। या फिर कोई भी मिसक्रिएंट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो हमारी सोसाइटी में शरारती तत्व होते हैं, उन पर भी फोकस दिया जाएगा, उनको भी ट्रैक करने की कोशिश की जाएगी। तो फेज मैनर में अभी इंप्लीमेंट करने की बात की गई है, पहले कैपिटल पटना में देखने को मिलेगी, आगे आने वाले टाइम में और एरिया में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी स्कीम आराम आराम से। बिहार देख सकते हो गया, बिहार अगर बिहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश से टच करता है, नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा झारखंड हो गया और इधर हो गया यहां पर वेस्ट बंगाल, तो ये तीन एरिया यहां पर बिहार को आप लोग टच करते हुए देखेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, मैप का भी साथ साथ फोकस देकर चला कीजिए। नेक्स्ट स्कीम आप लोग देखते हैं, बात की जा रही है लक्ष्य के बारे में, आप लोगों को देखने को मिलेगा लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, मतलब जो भी यहां पर जब यहां पर डिलीवरी की जाती है जो प्रेग्नेंट वुमेन की, तो वहां पर आप लोगों को एक रूम प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसको बोलते हैं लेबर रूम, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो लेबर रूम में जो भी यहां पर हेल्थ वर्कर होते हैं, जो भी वहां पर डिलीवरी के टाइम पर प्रेजेंट रहते हैं, उनको फायदा पहुंचाएगा ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एक ऐप यहां पर, जो कि यहां पर फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा, खासकर अगर कोई इंसान यहां पर उस रूम में है तो उनको फायदा पहुंचाएगा, उनको लर्निंग देगा, उनको चीजें सिखाएगा किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप लोगों ने लेटेस्ट देखा होगा, अभी यूनिसेफ की रिपोर्ट आई और यूनिसेफ की रिपोर्ट में आप लोगों को देखने को मिला जो हमारी कंट्री में नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट होता है, मतलब जो बच्चे स्टार्टिंग के महीने में, मतलब 28 दिन के अंदर जो बच्चों की डेथ हो जाती है कई रीजंस की वजह से, आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर। कई बार वहां पर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, जो वर्कर वहां पर रहते हैं उनको गाइडेंस नहीं रहता है ढंग का किस तरीके चीजों को कंट्रोल करना है, तो कई चीजों की वजह से हमारी कंट्री में जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग बात करें तो उसी को कंट्रोल करने की यहां पर बात की जा रही है, अगर देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, और इस तरीके से यहां पर जच्चा और बच्चा दोनों को यहां पर सेव किया जा सकता है। इनिशिएटिव यही है, मैटरनिटी जो मोर्टेलिटी रेट होता है उसको भी कंट्रोल करना, मतलब जो माता की डेथ हो जाती है बच्चों को जन्म देने में, या फिर जो बच्चों की डेथ हो जाती है उनको भी किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, तो इस स्कीम के बारे में भी आप लोग यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी, जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो भी यहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, या फिर सब डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, इन सब के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग एक क्वालिटी फुल यहां पर एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, खासकर लेबर रूम में, ठीक है। और यहां पर कहीं ना कहीं एनकरेज किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा लेबर क्वालिटी रूम बनाने के लिए, अगर कोई और ज्यादा आके इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और खुद के भी आसपास एरिया में कोई तरीके रूम्स खोलना चाहता है तो वो भी यहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। हर एक एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये फैसिलिटी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, क्वालिटी टीम देखने को मिलेगी, क्वालिटी यहाँ पर सेंटर देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है यहाँ पर भी, खासकर जो नेशनल के और वर्ल्ड के लेवल पर दोनों जगह काम करती हुई जब बातें नजर आती है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया की, और सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा न्यूज में, कल भी हम लोगों ने बात किया था, फिर से आप लोगों का थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, पर थोड़ा टॉपिक यहाँ पर डिफरेंट है, मैप में देखेंगे तो थोड़ा कंट्री की लोकेशन भी आप लोगों को पता चल पाएगी। 12th इंडिया सऊदी अरेबिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग यहाँ पर हो रही है, किसके द्वारा हमारी कंट्री से चेयर की जा रही है, यह है फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के द्वारा। इस तरीके क्वेश्चन भी आप लोगों से एसएससी या बैंकिंग में पूछ लिए जाते हैं, यूपीएससी में नहीं आएंगे, यूपीएससी में आप लोगों का डिटेल का क्वेश्चन आएगा कि क्या क्या बातें हो रही है, कहां पर सबमिट हुई है, ये सारी बातें किस तरीके से ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, क्या क्या यहां पर इनका वर्क किया गया, किस किस एरिया में ये वर्क कर रहे हैं, तो वो सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई तरीके की बातें यहां पर की जा रही है, यहां पर क्या क्या देखने को मिलेगा, नॉलेज एक्सचेंज की जाएगी ट्रेड के फील्ड में, सिक्योरिटी के फील्ड में, यहां पर एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन या फिर मीडिया
इंडिया हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, एजुकेशन, कल्चर, यहाँ पर कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर, इन सब चीजों में हम लोग मिलकर वर्क करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। साथ दोनों कंट्री यहाँ पर देखेंगे, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा और इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस दिया जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए सऊदी अरेबिया के बारे में, सऊदी अरेबिया के जो किंग सलमान है आज की डेट में वो अपनी कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उनकी कंट्री जो ऑयल के ऊपर डिपेंड रहा करती थी उस कंट्री को ट्रांसफॉर्म करके ये अलग अलग एरिया में भी अपनी कंट्री को यहां पर देखना चाहते हैं, ताकि कल को ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे होता है तो इनकी कंट्री पर कोई इंपैक्ट न पड़ सके। सऊदी अरेबिया आप लोगों को देखने को मिलेगा एक डेजर्ट कंट्री है यहां पर, इस वाले एरिया में पड़ती है, मतलब सऊदी अरेबिया में काफी डेजर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऊंट वगैरह काफी आप लोगों ने मूवीज में भी देखे होंगे सऊदी अरेबिया में आप लोगों को देखने को मिलता है। मोस्ट आप लोगों को जो अरेबियन पेनिनसुला है और रेड सी वाला जो एरिया आप लोगों को पर्शियन या अरेबियन गल्फ की कोस्ट लाइन जो देखने को मिलेगी, इस वाले एरिया की बात की जा रही है, आप लोग देख सकते हैं रेड सी हो गया, अरेबियन सी हो गया यहां पर, ठीक है। तो ये काफी यहां पर डेजर्ट वाला एरिया पाया जाता है, तो इस तरीके से भी थोड़ा आप लोग इसे फोकस रखिएगा। बर्थ प्लेस यहां पर कहीं ना कहीं माना जाता है इस्लाम का भी, आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों ने सुना होगा कई बार मक्का के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा। हमारी कंट्री से भी बहुत सारे यहाँ पर लोग जाते हैं हज की यात्रा पर, तो बहुत फेमस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ये एक मतलब इस्लाम धर्म के लिए, मुस्लिम के लिए बहुत एक अच्छा यहाँ पर एक पिलग्रिमेज ये स्टेट इस एरिया माना जाता है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर ये भी याद रख सकते हैं, जहां पर जो प्रोफेट मोहम्मद जी को यहाँ पर दफनाया गया था, ये है मदीना मस्जिद यहाँ पर नवाबी, यहाँ पर आप लोग इसका भी नाम याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दफनाया गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है खासकर मुस्लिम कंट्री के लिए। ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पर जो हज यात्री हैं वो यहाँ पर हज के लिए आते हैं। कैपिटल रियाद है और करेंसी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर सऊदी, वो कैपिटल तो हो गई आपकी रियाद और करेंसी होगी यहाँ पर सऊदी रियाल, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी मैप हम लोगों ने कल भी देख लिया था, तो ये एरिया है जहां पर दोनों मिलकर वर्क करने वाले हैं। तो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप यहां पर दोनों कंट्री के द्वारा बनाया जाएगा और किस तरीके से हम लोगों को आगे चलना है उन सब पर भी फोकस देकर चला जाएगा। कई सारे एरिया भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल वाला एरिया देखने को मिलेगा, हेल्थ, आईटी, टूरिज्म, और या इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर, मतलब ये सारे एरिया सऊदी अरेबिया ट्रांसफॉर्म करने वाला है अपनी कंट्री को, अलग अलग एरिया में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट थोड़ा सा रिवीजन भी कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट था। अभी उमंग ऐप को आप लोगों को देखने को मिला, एक प्राइस दिया गया था, डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उमंग एक तरीके का आप लोगों को ऐप देखने को मिलेगा, ये एक तरीका फीचर्स है, यहाँ पर बहुत सारी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है, जो कई सारी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं, सब कुछ आप लोगों को सिंगल यहाँ पर एक जगह देखने को मिलेगा। ये स्टार्ट किया किसके द्वारा किया गया, ये भी आप लोग याद रखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो जो भी यहाँ पर कई सारी इनिशिएटिव आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं, वैसे डिटेल में आप लोगों को पहले ही बता। नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासकर डिफेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बात की जा रही है, एनकोर के बारे में, ईस्टर्न नेवल कमांड ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। कई बार आप लोगों से यहां पर बीच में से कोई वर्ड उठा के पूछ लिया जाता है, खासकर बैंकिंग में अगर बात की जाए तो, अगर बात करेंगे यूपीएससी और दूसरे एग्जाम की तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा डिटेल एक्सरसाइज के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है थिएटर लेवल एक्सरसाइज के बारे में, एनकोर याद रखिएगा, ईस्टर्न नेवल कमांड ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। रेडीनेस की बात की जा रही है, एक्सरसाइज यहां पर की जा रही है, तो ये आप लोगों को देखने को मिला जो ईस्टर्न नेवल कमांड है, मतलब जो नेवी की ईस्ट वाली कमांड है, ईस्ट वाली कमांड आप लोगों को देखने को मिलेगी। कहां पर है पहले तो आप लोग ये बताइए, तो वहां पर ये एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, तो पता होना चाहिए आप लोगों ये सारी कमांड जाकर देखिएगा कौन कौन सी कमांड है। ईस्टर्न कमांड के बारे में अभी बता देता हूं, ये आप लोगों को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो विशाखापट्टनम अगर आंध्र प्रदेश को आप लोग मैप में निहारेंगे तो आप लोग देखेंगे, आप लोग थोड़ा सा एरिया यहां पर अब जब इसको देखेंगे यहां पर, तो ये हो गया हमारा इंडिया, तो यहां पर आप लोग यहां पर अंडमान निकोबार भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सब लोग यहां पर पार्टिसिपेट करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। किस तरीके से हम लोग इस वाले एरिया में अगर बात की जाए सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं आज की डेट में चाइना की काफी ज्यादा एंट्री यहां पर मानी जा रही है, तो उस तरीके से हम लोग कंट्रोल करके चल रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं अगर कल को कोई भी अनफॉर्चुनेट कंडीशन बने तो हम लोग उन सब चीजों को यहां पर कंट्रोल करके पाए, खासकर इंडियन ओशन रीजन की अगर बात की जाए तो इसके बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है। तो नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पर नेवी देखने को मिलेगी, पर थोड़ा सा पार्टिसिपेशन यहाँ पर इंडिया की जो एयरफोर्स कमांड है उसके द्वारा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, एयरफोर्स का भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अपनी कैपेबिलिटी को यहाँ पर चेक किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरीके से आप लोग टेस्ट नहीं देते हैं, टेस्ट देकर चेक करते हैं कि हाँ किस तरीके की मेरी तैयारी चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है, और आप लोग पता लगाते हैं, तो उस तरीके यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सी बिल, यहाँ पर साइक्लोन की बात की जा रही है, अगर कोई साइक्लोन भी आता है तो उससे भी किस तरीके से टैकल किया जाता है, ये भी आप लोग देख, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर यूनिसेफ की रिपोर्ट के बारे में, यूनिसेफ की अभी एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसके तहत बताया गया है
मोर्टेलिटी रेट के बारे में, खासकर इन्फेंट की जो बच्चे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो पाकिस्तान को होम बोला गया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट पाया जाता है, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। अगर मोर्टेलिटी रेट बच्चों की हत्या कहीं पर होती है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो होती है पाकिस्तान में। ये 1000 पर काउंट की जाती है। अगर बात करते हैं यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, ठीक है ना, अगर बात करते हैं यहाँ पर नियो मोर्टेलिटी रेट की, जो न्यू बोर्न होते हैं नियो नेटल मोर्टेलिटी रेट की, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो 28 डेज के लिए काउंट होती है और ये 1 ईयर के लिए काउंट होती है। बात की जा रही है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की यहाँ पर, ओके। पर लेकिन अगर हम बात करेंगे न्यू बोर्न मोर्टेलिटी रेट की, तो इसके बारे में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यू बोर्न अगर बोर्न मोर्टेलिटी रेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को 28 दिन के अंदर की बात की जाती है कितनी डेथ होती है, तो इंडिया में भी कम नहीं है, इंडिया में भी आप लोगों को अच्छा खासा यहां पर देखने को मिलेगा। 25.4% डेथ आप लोगों को देखने को मिलेगी पर 1000 पर। अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 25 के करीब बच्चे उनकी डेथ हो जाती है। और ये 2016 की बात की जा रही है, लगभग 6,40,000 बेबीज यहां पर उनकी डेथ हुई थी, मारे गए थे यहां पर डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। इसी बहाने से थोड़ा यूनिसेफ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात की जाए इसकी फुल फॉर्म की, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है, तो ये इसका नाम है। सॉरी, इसके अलावा आप लोगों को इसके यहां पर हेडक्वार्टर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा और ये एस्टेब्लिश किया गया था 1946 से यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं यूएन की आप लोगों को, ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी यूएन है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, ओके। आइए अब आगे चलते हैं। बात की जा रही है इंडिया आईटी कंपनी की, तो इंडिया आईटी कंपनी में काफी आप लोगों को आने वाले टाइम में भी और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। ये बोला जा रहा है ग्रोथ रेट लगभग यहां पर 7-9% आप लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट फिजिकल ईयर, जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, तो जो भी यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री होती है, तो सब कुछ आप लोग यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर क्या क्या इंटरनेट यूज करते हैं, सिक्योरिटी क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होती है, किस तरीके से सपोर्ट सिस्टम, नेटवर्क डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, सर्विस, डेटाबेस, ये सब कुछ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है अगर बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। और आप लोगों को पता है हमारी कंट्री कितनी फेमस मानी जाती है आईटी के लिए, आईटी के लिए हब माना जाता है हमारी कंट्री को। तो आने वाले टाइम में बहुत लार्ज स्केल पर यहां पर फोकस देखने को मिलने वाला है। ये जा रहा है नेस्कॉम के प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि हैं आर चंद्रशेखर, तो इनके द्वारा यह बात यहां पर बताई जा रही है कि आने वाले टाइम में काफी फोकस यहां पर दिया जाएगा। और करंट फिस्कल ईयर की बात की जा रही है, लगभग $167 यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दो फोकस सबसे ज्यादा रहते हैं, आईटी सर्विसेज जो प्रोवाइड कराई जाती है, या फिर इसके द्वारा बीपीओ होता है, जो आप लोगों को बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग जो देखने को मिलती है, ठीक है ना, कॉल सेंटर नॉर्मली आप लोग जिनको बोल देते हैं, तो ये वाली सर्विस आप लोगों को देखने को यहां पर मिलेगी। थोड़ा सा जाकर आज आप लोगों के लिए यहां पर क्वेश्चन है, जाकर नेस्कॉम के बारे में हल्का सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, तो आप लोग थोड़ी कई कई चीजें यहां पर कवर होती रहेंगी, कुछ में और कुछ आप मिलजुल कर काम करते रहेंगे। और क्वेश्चन देखिए, स्टार्टिंग में तो आप लोगों ने काफी अच्छे से पोस्ट किए, पर लेकिन आप लोग ढीले पड़ गए हैं। क्वेश्चन पोस्ट करते रहिए, ठीक है, यही तो होता है चीज। स्टार्टिंग में तो आप लोग जो जो उसमें काम करते हैं, फिर आप लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं, चलिए यार छोड़िए आज कर दिया, क्या करना है, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे। आप लोग सोच सकते हैं वीडियो बनाने के लिए, अगर मैं भी ऐसा सोचने लगूं कि आज रहने देता हूं यार, आज छोड़ दीजिए, तो आप लोगों को कैसा लगेगा। तो अपना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही तो बोला है आप लोगों को, और बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है आपकी खुद की नॉलेज पर वो क्वेश्चन, जब आप लोग सर्च करेंगे, उसको पोस्ट करेंगे, उसका आंसर पोस्ट करेंगे, और इसके अलावा जो और स्टूडेंट्स क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं उनको पढ़ेंगे, तो आप लोग उसको कंटिन्यू रखिए। वो स्टार्टिंग में देखिए, कुछ बच्चों के तो मुझे नाम याद हो गए जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं और अभी कंटिन्यूस है, ठीक है। पर लेकिन बहुत सारे जो बच्चे मुझे पहले जिनके नाम दिखा करते थे, वो अब इनबॉक्स में नहीं दिखते हैं, तो ये कोशिश कीजिए कंटिन्यू रखिए, तभी आप लोगों को फायदा हो पाएगा यहां पर। ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थोड़ी हो सकती है जो खासकर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो एज रिलैक्सेशन की बात की गई है रेलवे के द्वारा, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, रेलवे मिनिस्ट्री ने एक्सटेंड कर दिया गया, यहां पर जो अपर एज है उसके बारे में बात की जा रही है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्सटेंड कर दिया गया 2 ईयर के लिए, ठीक है। तो जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसके लिए आप लोगों को देखने को मिला 30 ईयर कर दी गई यहाँ पर, जनरल के लिए 33 कर दी गई है ओबीसी के लिए, और 35 आप लोगों को एससी एसटी के लिए। इसके अलावा और भी जो एजेस हैं उन लोग आप लोग देख सकते हैं, जिस भी लेवल की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो सारी यहां पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लोगों के जो फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो यहां पर बात की गई है, कुछ ऐसे एरिया है जहां पर जैसे तमिलनाडु, कन्नड़ या फिर उड़िया, कुछ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि रीजनल लैंग्वेज भी पेपर देखने को मिलेगा। 89,000 रेलवे की यहां पर पोस्ट आप लोगों के सामने है, 14409 पोस्ट के लिए यहां पर 89,000 रिक्रूटमेंट होने वाला है, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है, जिसने फॉर्म भरा है उसको नोटिफिकेशन को फिर से पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ताकि आप लोग कोई गड़बड़ न करें। पॉलिटिक्स आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यह आप लोगों को जानना है यहां पर अटॉर्नी जनरल के बारे में, तो कंप्लीट लेक्चर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकता है, रिवीजन जाकर कीजिएगा अटॉर्नी जनरल के बारे में। लेक्चर का लिंक यहां पर भी है पीडीएफ के अंदर भी, और सारे लेक्चर्स के लिंक आप लोगों को नीचे भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर भी लिंक पोस्ट करता हूं, फेसबुक पर भी पोस्ट करता हूं, जहां से आप लोग देख सकते हैं वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा, और सारे वीडियो के सारे लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे, ओके।
अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर मिड डे जो मील स्कीम होती है उसके बारे में। आप लोगों को बताना है कि जो मिड डे मील स्कीम है, आप लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना होगा कि जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अब तक किया गया है आज तक, क्या उसको ढंग से यूज किया गया है, क्या ये ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रही है। तो क्रिटिकली आप लोगों को कमेंट करना है, क्वेश्चंस के आंसर देते रहिए, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। एक क्वेश्चन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, पर लेकिन आप लोग टाइम नहीं निकाल पाते, टाइम जरूर निकालिएगा इसके लिए। मिड डे मील आप लोग यहाँ पर पिक्चर में भी देखते हैं, बच्चों को यहाँ पर आप लोगों को देखते हैं खाना खिलाया जाता है, कम से कम यहाँ पर एक टाइम तो आप लोगों को देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। इसी के बहाने से ही बच्चे स्कूल में जाते हैं तो कम से कम उनकी हेल्थ भी बन पाती है, और जब स्कूल में जाते हैं तो फिर कुछ थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, तो दोनों ही काम यहाँ पर हो जाते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा क्या बातें डिस्कस की गई है। तो एक यहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना जो हेल्दी भी हो और न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन फुल भी हो, तो इस तरीके का एनवायरनमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कहीं ना कहीं ये भी एक आप लोगों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम ही देखने को मिलेगी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से अगर इंसान अनएम्प्लॉयड हो जाता है तो किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, या तो उसको पेंशन दी जाए और या फिर उसका कोई बीमा वगैरह हो, तो उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। हेल्थ और एजुकेशन सर्विस जिस भी तरीके यहाँ पर प्रोवाइड करानी है वो सब सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर ही आते हैं। इंडियन का सोशल सिक्योरिटी अगर आप लोग देखेंगे वो ज्यादा अच्छे लेवल का नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो सोशल सिक्योरिटी से बाहर है। और कई बार आप लोगों को कई सारी और भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि जहां पर स्कीम जो इंप्लीमेंट होनी चाहिए वहां पर उसको अंदर नहीं रखा जाता है। कई बार कुछ ऐसे लोग वहां पर स्कीम के अंदर पाए जाते हैं जो कि अच्छे खासे एरिया में रह रहे हैं और अच्छी खासी उनकी इनकम है, तो ये भी बात कई बार देखने को मिलती है। क्यों होती है ऐसी चीजें? करप्शन की वजह से होती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से होती है, या फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से होती है। तो ये कई सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। पर लेकिन जब से यहां पर यूज किया जा रहा है, मैंडेटरी आधार कार्ड कर दिया गया और बायोमेट्रिक सिस्टम आ रहा है, तब से इस तरीके की प्रॉब्लम काफी हद तक यहां पर कम हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं। उदाहरण लेकर चला जा रहा है मिड डे मील स्कीम का, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके दो ऑब्जेक्टिव बोले गए हैं, पहला तो ये देखने को मिलेगा जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, मतलब बच्चों को जो भी यहां पर न्यूट्रिशन मिलता है उसके लिए काफी फोकस दिया जाता है, यहां पर अच्छा खासा खाना यहां पर प्रोवाइड कराया जाता है। पर लेकिन ये कागज में ही प्रोवाइड कराया जाता है, जब ग्राउंड लेवल पर जाकर देखते हैं तो उस लेवल का खाना प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, इनेबल किया जाता है बच्चों को कम से कम वो स्कूल में आएंगे और स्कूल में रुकेंगे यहां पर कम से कम भले ही खाने के लिए आए, क्योंकि बहुत सारे गरीब ऐसे एरिया में हमारे लोग पाए जाते हैं जिनका ढंग से खाना भी नहीं प्रोवाइड करा पाते बच्चों को, तो कम से कम खाने के बहाने ही तो आएंगे तो सही स्कूल में, फिर थोड़ा पढ़ भी लेंगे वहां पर। तो रिड्यूस किया जाएगा हंगर, इंक्रीज होगा यहां पर बच्चों की जो एनरोलमेंट है, मतलब बच्चों का एडमिशन होगा और अटेंडेंस होगी, तो दोनों ही चीजें बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके द्वारा एक अच्छा एनवायरमेंट यहां पर मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए, इंप्रूव लर्निंग आउटकम यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें यहां पर आप लोगों को नजर आएंगी जब यहां पर इस पर फोकस दिया जाएगा। तो इसके अलावा अगर बात की जाए बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में ये मील को फर्स्ट डे जो मील होता है, ये फर्स्ट जो मील यहाँ पर दिया जाता है ये डे का फर्स्ट मील माना जाता है, मतलब खाना जो दिया जाता है बच्चों को देखने को मिलेगा। कई बार तो इससे पहले वो कुछ खा नहीं रहे होते हैं, यही उनको फर्स्ट यहाँ पर खाने को मिलता है। तो कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, पर लेकिन कई बार गैप भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कई बार इरेगुलर सप्लाई यहाँ पर देखने को मिलती है, प्रॉपर में सप्लाई नहीं की जाती है, मतलब अच्छी खासी सफाई देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा कई बार आप लोगों को यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट जो फूड है उसमें जो कंटेंट है वो अच्छे खासे लेवल का नहीं नजर आता है, और कई तो बातें ऐसी हैं यहां पर डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिला है। मतलब यहाँ पर जो बच्चे होते हैं जो अपर कास्ट जिनको हम लोग मानते हैं, मतलब जिनको हम लोग अपर कास्ट मानते हैं, तो उनके बच्चे जो होते हैं उनको अलग बैठाया जाता है, और जो लोअर कास्ट जिनको हम लोग मानते हैं उनके बच्चों को यहाँ पर अलग बैठाया जाता है। तो इस तरीके की हरकतें भी होती हैं, पर लेकिन कई बार इस स्कीम को पॉजिटिव डायरेक्शन में भी देखा जाता है कि इस स्कीम की वजह से जो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है वो कम भी होता हुआ नजर आता है। मतलब चाहे अपर कास्ट का बच्चा हो चाहे लोअर कास्ट का बच्चा हो, कई सारे सब बच्चे बैठ के एक जगह खाना खाते हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कम भी होता है, पर कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता रहता है। तो जो जब से यहाँ पर जो बायोमेट्रिक जो सिस्टम यूज किया जा रहा है तब से यहां पर काफी कुछ देखने को मिल रहा है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह, सबके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड नहीं है तो बच्चों को भूखा नहीं रखना है, तब तक उनको आधार कार्ड प्रोवाइड नहीं कराते तब तक यहां पर चीजें सही चलती रहनी चाहिए। कम्युनिटी को मॉनिटर करना पड़ेगा, जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं कम से कम उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कि खाना सही मिल रहा है बच्चों को, कम से कम पेरेंट्स को एक बार स्कूल में जाना पड़ेगा, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रिडेसल सिस्टम होना चाहिए, मतलब अगर किसी को लगता है कि खाना सही से प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा कंप्लेनिंग मीडियम यहां पर होना चाहिए जिसे प्रॉपर वहां पर कंप्लेन की जा सके और एकदम तुरंत एक्शन भी लिया जाए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए, मेन्यू यहां पर पता होना चाहिए कि बच्चों को आज क्या खिलाया जाएगा, परसों क्या खिलाया जाएगा, तरसों क्या खिलाया जाएगा, और उसके मेन्यू के हिसाब से काम बनना चाहिए, ना कि वहां पर जो भी चीज अवेलेबल है बस उसको बना के रख दें और बस उसी को खा लीजिए और बाकी जो पैसा होता है ऊपर से जो आ रहा है उसको सबको पचा जाए, तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो ये बातें हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। तो क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिएगा।
ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफी हद तक आप लोगों से देखने को मिलेंगे जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। बात की जा रही है जो महानदी डिस्प्यूट जो किस दो स्टेट के बीच में, एक तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही हो गया, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। स्कीम फॉर द अवेयरनेस, यहां पर आप लोगों को जनरेशन एंड द पब्लिसिटी, ये किसके रिलेटेड है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, किसके द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट आप लोगों से मैंने ये भी मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था। बात की जा रही है आरबीआई के द्वारा कमेटी सेटअप की गई है जो बैंकिंग सिस्टम में फ्रॉड होता है, तो कौन सी कमेटी है इसको रोकने के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट ये आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर है जो मैंने कल पूछे थे, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं इनको। जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहां पर पूछा गया था अंटार्कटिका के बारे में, जो लार्सन सी आइस सेल्फ है वो आप लोग यहां पर टूटती नजर आई थी, इसके बारे में जिक्र किया गया, तो कहां पर पड़ती थी, ये है वेडल सी, ठीक है ना। तो वेडल सी के बारे में आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, अगर मैप में थोड़ा देखना चाहें तो आप लोग यहां पर इसको देख पाएंगे। ये वाला पोर्शन था जो यहां पर टूटता हुआ नजर आता है, ये देख सकते हैं वेडल सी हो गया। यहां पर ये वाला पोर्शन की बात की जा रही है, अगर बात की जाए तो अंटार्कटिका की, ठीक है। तो सदन आप लोगों को पोर्शन ये देखने को मिलता है अगर आप लोग जाकर इसको मैप में निहारेंगे तो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था, ये क्वेश्चन था यहां पर जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी और इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इसको सपोर्ट किया जाता है, तब जाकर ये परफॉर्मेंस इंडेक्स निकल के आता है। इंडिया की रैंक कितनी थी कल भी बताया था, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि जो जज का इंपीचमेंट स्टार्ट किया जाता है उसका प्रोसीजर की बात की जा रही है, तो यहां पर कौन इसको स्टार्ट करता है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मोशन स्टार्ट की जाती है 100 मेंबर तो लोकसभा के होने चाहिए और 50 मेंबर यहां पर राज्यसभा के होने चाहिए, जहां पर भी स्टार्ट करनी है। अगर लोकसभा में स्टार्ट करनी है तो लोकसभा में और राज्यसभा में स्टार्ट करनी है तो राज्यसभा में, और यहां पर ये किसके द्वारा इसको रेक्टिफाई करना है, यह है स्पीकर बात करते हैं लोकसभा में और चेयरमैन इन राज्यसभा। ये मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था जब मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से रिमूव किया जाता है, यहां पर बात की जाती है जब किसी भी जज को, ठीक है। तो ये पूरे 7 स्टेप मैंने आप लोगों को बताए थे, पॉलिटिकल लेक्चर आप लोग जाकर देख सकते हैं, सारे लेक्चर लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। आइए अब थोड़ा आइए अब एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया। फर्स्ट हम लोगों ने देखा 24 फरवरी है और आज ही के दिन यहां पर सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों यहां पर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, ये आप लोगों को देखने को मिला फर्स्ट एवर मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब जो कि आप लोगों को गोवा में देखने को मिली। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कौन सा स्टेट है ये, और ये बन सकता है कि ये मतलब किस किस एरिया में फोकस देकर चल रही है, तो सब थोड़ा सा याद रखेगा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा लक्ष्य के बारे में किस तरीके से यहां पर एक क्वालिटी यहां पर वर्क प्रोवाइड कराया जाता है, खासकर डिलीवरी आराम से हो सके और कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला यहां पर सेफ्टी सर्विलेंस के बारे में जो कि बिहार में स्कीम चलाई गई है। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, ये हम लोगों ने डिस्कस किया साउदी अरेबिया और इंडिया के बीच में जो हुई है, खासकर मीटिंग हुई है और यहां पर हमारी साइड से कौन है, ये फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी। लोकेशन देखिए हम लोगों ने कई सारी और फैक्ट इंफॉर्मेशन भी जानी सऊदी अरेबिया के बारे में। नेक्स्ट आप लोग यहां पर देखने को मिला उमंग ऐप के बारे में, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए, इसके बारे में भी कई बातें पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा एनकोर के बारे में, तो ईस्टर्न नेवल कमांड ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा यूनिसेफ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरीके से इंडिया की रैंक है और पाकिस्तान के बारे में थोड़ा देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जाना इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखी। इसके अलावा हम लोगों ने यहां पर देखा कि ऊपर जो यहां पर जो रेलवे के द्वारा पोस्ट लाई गई है उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, तो ये आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, इसको थोड़ा सा देखिएगा जिसने भी फॉर्म डाल रखे हैं। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिला योजना का आर्टिकल, हम लोगों ने देखा मिड डे मील स्कीम के बारे में किस तरीके से उसको सुधारा जा सकता है, और ये था आप लोगों यहां पर क्वेश्चन और ये था आप लोगों का रिवीजन का जो आप लोगों को जाकर पॉलिटिकल रिवाइज करना है। इसके अलावा आप लोगों से ये पूछे गए थे मैंने क्वेश्चन जो कि आप लोगों को आंसर देना है, क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिएगा, और ये आप लोगों के थे जो आप लोगों से आज मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और क्वेश्चन जरूर पूछते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, देखिए अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए, इसके अलावा पॉलिथीन वगैरह मत यूज कीजिए और दूसरों को भी यूज करने से रोकिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।